नमस्कार, हमारे खास पेशकश जीवन दायनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का सपना साकार हो गया है। ईआरसीपी परियोजना को मूर्त रूप देने को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त डीपीआर बनाने को लेकर नई दिल्ली में जल शक्ति भवन में समझौते पत्र पर एमओयू पर यानी हस्ताक्षर हो गए हैं। भजनलाल सरकार ने पूर्वी राजस्थान को सौगात दी है। ऐसे में अब पूर्वी राजस्थान का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। किसानों की समस्याओं का समाधान होगा, क्षेत्र का किसान खुशहाल होगा, प्रदेश में कृषि और बागवानी नई करवट लेगी। सिंचाई और पेयजल के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होने के बाद पूर्वी राजस्थान के किसानों की तकदीर बदलेगी। प्रदेश के 21 जिलों के लिए जीवन दायिनी इस योजना से किसान ही नहीं बल्कि प्रदेश की भी तस्वीर और तकदीर पूरी तरह से बदल जाएगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ईआरसीपी को लेकर चला लंबा विवाद अब एमओयू के बाद समाप्त हो गया है। दिल्ली में केंद्र की मौजूदगी में हुए इस बड़े फैसले के बाद दोनों ही राज्यों में ईआरसीपी को लेकर कवायद तेज हो गई है। आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली चंबल नदी का पानी कैसे राजस्थान के 21 जिलों की प्यास बुझाएगा, उद्गम स्थल से कितने किलोमीटर का सफर तय कर चंबल का पानी राजस्थान में आखिर कहां तक जाएगा। देखिए राजस्थान के लिए जीवन दायिनी बनने वाली चंबल नदी पर फर्स्ट इंडिया की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी की गारंटी अब साकार होने वाली है। ईआरसीपी सिंचाई के साथ प्रदेश के 21 जिलों की आबादी की प्यास बुझाने के लिए लाइफ लाइन बनने जा रही है। दिल्ली में राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच हुए एमओयू के बाद इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को अब धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हाड़ौती क्षेत्र का हवाई दौरा कर बांधों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी के पहले चरण के तहत निर्माणाधीन बांधों का जायजा लिया। उन्होंने कोटा में दीगोद के एबरा गांव के निकट काली सिंध नदी पर निर्माणाधीन नौनेरा बांध साइट पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अवलोकन किया। सीएम ने परियोजना का प्लान, नक्शा, अब तक हुए कामों के कई चरणों का प्रेजेंटेशन देखा। वहीं बांध की विशेषताओं के बारे में जाना और अब तक हुए काम की विस्तार से जानकारी ली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने टोंक में बनास नदी पर निर्माणाधीन ईसरदा बांध सहित जिले के कई बांधों का निरीक्षण किया। वर्ष 2017 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली तत्कालीन भाजपा सरकार ने काम शुरू किया। इसके लिए केंद्र सरकार की उपक्रम वेब कोर्स लिमिटेड से डीपीआर तैयार करवाई गई। यह डीपीआर रिवर बेसिन अथॉरिटी के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीराम वेंडर वेडियर की देखरेख में बनी। उस वक्त 37,237 करोड़ की लागत का अनुमान था। 19 नवंबर 2017 को राजस्थान ने डीपीआर केंद्र के पास भेजी। 18 जनवरी 2018 को राजस्थान ने केंद्रीय जल आयोग को ईआरसीपी भेजी। दिसंबर 2018 में राजस्थान में सरकार बदल गई। 8 जुलाई 2019 को प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश के सीएम को पत्र लिखा। 27 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजस्थान को जवाबी पत्र भेजा। वर्ष 2021 और 2022 के बजट में ईआरसीपी के लिए पैसे का प्रावधान किया गया। उस दौरान गहलोत सरकार ने खुद के खर्चे पर ईआरसीपी को पूरा करने का फैसला लिया। 15 अप्रैल 2022 को गहलोत सरकार के निर्णय पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपत्ति जताते हुए केंद्र को पत्र लिखा और कहा कि बांध का काम तुरंत रुकवाएं। 10 मई 2022 को जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को लिखा कि दोनों राज्यों के बीच समझौता होने तक ईआरसीपी का काम बंद रखें।
मई 2022 में केंद्र की चिट्ठी मिलते ही गहलोत सरकार ने केंद्र पर ईआरसीपी को रोकने के आरोप लगाए। फरवरी 2023 में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने ईआरसीपी के लिए बजट बढ़ाया। 2023 में ईआरसीपी को लेकर कई बार बैठक की गई, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। 28 जनवरी 2024 को दिल्ली में पीकेसी ईआरसीपी पर एमओयू हुआ। राजस्थान में ईआरसीपी का सपना साकार होगा, उससे पहले हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के जानाबाव क्षेत्र में, जहां से चंबल का उद्गम है। बताया जा रहा है कि श्री परशुराम के पिताजी ने यहां यज्ञ और तप किया था। शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर यहां चंबल प्रभावित किया। और देखिए, बड़ी बात यह है कि यहां की पहाड़ियों से गुप्त रूप से पानी निकलता है। जब बारिश होती है तो बड़े तेज वेग के साथ पानी निकलता है और यमुना में मिलता है। इसका पौराणिक महत्व भी हम आपको बताएंगे। ये वो ब्रह्मकुंड है जहाँ बरसों बरस से पानी भरा हुआ है, कभी ख़त्म नहीं हुआ। और चंबल की बात करें तो परशुराम के पिताजी के तप के बाद यहाँ शिवलिंग तैयार किया गया। उस शिवलिंग से हर साल बारिश के दौरान तेज वेग से पानी निकलता है जो यमुना में जाकर मिलता है, और कई राज्यों की प्यास चंबल बुझा रही है। बहरहाल एक बार फिर हम आपको बता दें कि हम उस जीरो पॉइंट पे हैं, उस उद्गम स्थल पर हैं जहाँ चंबल का उद्गम हुआ और शिवजी के प्रताप से चंबल प्रभावित हुई। और अब बरसों बरस से, हजारों सालों से चंबल का पानी निकल रहा है और कई लाख, कई करोड़, यानी कह सकते हैं कि कई राज्यों की प्यास भी बुझा रहा है। ईआरसीपी पूरी राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। प्रदेश के लोगों को पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों के पानी का भरपूर लाभ मिलेगा। दरअसल चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों में है। यह वही स्थान है जहां भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इस पवित्र स्थल से चंबल का उद्गम हुआ है, इसलिए इसे भगवान परशुराम जन्मस्थली जानापाव भी कहा जाने लगा है। महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि और भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव इंदौर की महू तहसील के राजपुरा कुटी गाँव में स्थित है, जहाँ से 7.5 नदियों का उद्गम होता है। इस समय हम मौजूद हैं चंबल के जीरो पॉइंट पर, यानी उद्गम स्थल पर, वो स्थान जहां से चंबल निकली। और देखिए, कई किलोमीटर का सफ़र तय कर कई राज्यों को पानी भी पिला रही है। आखिर क्या मान्यता है इस उद्गम स्थल की? मध्य प्रदेश के इंदौर से 60 किलोमीटर दूर जानापाव स्थान पर चंबल का उद्गम स्थल है। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका? राधेश्याम जी, राधेश जी। राधेश्याम जी, चंबल का उद्गम स्थल है, क्या पूरा महत्व है, कैसे पड़ा कि किस रूप में चंबल का उद्गम हुआ यहाँ? यह यहाँ पर भगवान परशुराम जी के पिताजी जगदम्ब ऋषि की तपोभूमि है, उनने यहाँ तपस्या की थी और भगवान परशुराम जी का यह जन्म स्थली है। यहाँ से यह चरणामती जो नदी निकली है, यह पहले कुंड था, ये इसको ब्रह्म ये हवन कुंड बोलते थे। फिर यहाँ जब भगवान परशुराम जी ने अपने माता जी का जो सर काटा था वो इस कुंड में गिरा था, तब से इस कुंड का नाम ब्रह्म कुंड रखा गया। और यहाँ से ये कुंड से चंबल नदी निकलती है, भगवान भोलेनाथ जी के नीचे से होती हुई ये नीचे पंचमुखी हनुमान जी के सामने जाके प्रकट होती है। और जो पंचमुखी हनुमान जी हैं, वहाँ बारिश के दौरान ही पानी आता है या साल भर पानी बहता ही रहता है? नहीं जी, ये बारिश रहती है तभी पानी बहता है, गर्मी में पानी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग है यहाँ से, शुरुआत में तो यही सूखी जाते हैं नदी। यहाँ से निकलता है पानी जो कई किलोमीटर का सफ़र तय कर कई राज्यों को पानी पिला रहा है जी। हाँ, कई ये यहाँ से 9999 किलोमीटर बहती है और आगे जाके जमुना जी में जाके मिलती है। तो ये देखिए पूरा महत्व बता रहे हैं पंडित जी कि किस तरीके से चंबल का उद्गम हुआ। चरण नदी जो बाद में चंबल का रूप लेती है और यमुना में जाकर मिलती है, यहीं से मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी पानी दिया जाएगा। जल बंटवारे का विवाद समाप्त होने के बाद एमओयू हुआ है। और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि चंबल का उद्गम स्थल जिसे देखने की, सुनने की इच्छा हर किसी की रहती है, वह आज हम आपको दिखा रहे हैं। हम वो मंदिर भी दिखाएंगे जिस शिव मंदिर के नीचे से चंबल निकलती है। चंबल के पूरा महत्व के बारे में कुछ बताइए। पूरा महत्व तो क्या, चंबल यहाँ से प्रारंभ होती है,
शिव जी के चरण से निकलने से उसका चरणावती नाम पड़ा। जब ये गंगा शीर से निकली है और नर्मदा है उनके शिव जी के आंसुओं से निकली, ये चरण से निकली है, इसलिए मंदिर अंदर है। हाँ, जहाँ से निकली जमदग्नेश्वर महादेव है, उसको जाना पाव बोलते हैं, बाकी वो जमदग्नेश्वर महादेव है। क्या नाम बताया मंदिर का? जमदग्नेश्वर महादेव, इसको जाना पाव के नाम से बोलते हैं। तो देखिए पूरे 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 एमपी में जाना पाव फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चंबल का उद्गम स्थल है, हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ से चंबल निकलती है। कितनी नदियाँ निकलती हैं मुख्य? यहाँ चार नदी है इसी कुंड से, चारों दिशाएं की चार। पश्चिम में चंबल, उत्तर में गंभीर, दक्षिण में कारम, पूर्व में नखेड़ी। दो नदी नर्मदा मिलती है, दो नदी जमुना मिलती है। चारों नदी का उद्गम स्थल यहाँ से। करीब सात नदियाँ और बताई जाए। नदी है तो आगे वो है अजनार, और एक है चोरल, और एक उमरा सुमरा, ऐसे ये हो। ये सात नदियाँ निकलती हैं, इनमें से मुख्य अब चंबल है। मुख्य चंबल, बड़ी नदियों में से मुख्य चंबल है। तो देखिए सात नदियाँ जामापाव के पास से निकलती है और मुख्य नदी चंबल बताई जा रही है। जानापाव की पहाड़ियों से चंबल के अलावा गंभीर, अजनार, सुमरिया, बालम, चोरल, कारम और नेकेडेश्वरी नदी निकलती है। इनमें से कारम और नेकेडेश्वरी नदी एक ही धारा में बहती है, इसलिए इन्हें डेढ़ नदी माना जाता है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ करीब 740 किलोमीटर बहकर यमुना में और बाकी 3.5 नदियाँ नर्मदा में समा जाती हैं। ERCP यानी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, जिसे हाल ही दिल्ली में MOU की मंजूरी मिली और उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जल बंटवारे को सहमति पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। बड़ी बात यह है देखिए कि आने वाले दिनों में काम तेजी से शुरू होगा और राजस्थान की किस्मत बदलेगी। हम इस समय मध्य प्रदेश के जनापाव क्षेत्र में हैं जहाँ से चंबल का उद्गम होता है, और ये वो पहाड़ियां हैं जो बारिश के दौरान 3 से 3.5 महीने तक जबरदस्त पानी छोड़ती हैं। बताया जा रहा है कि पानी कहां से आता है यह तो कोई नहीं जान पाया, लेकिन उद्गम स्थल से निकला पानी कई किलोमीटर का सफ़र तय कर यमुना में मिलता है और बरसों बरस से कई राज्यों की प्यास भी बुझा रहा है। कहा जाए तो राजस्थान के उद्योग और पर्यटन की किस्मत बदलेगी ERCP। और इस समय हम मौजूद हैं जाना पाओ, यह है वो जगह है जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चंबल का उद्गम कहाँ से हुआ और चंबल कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर राजस्थान में पहुँचेगी, यानी जयपुर ज़िले तक चंबल का पानी दिया जाएगा। बस अब धरातल पर काम शुरू होने की देरी है, उसके बाद अगले 5 से 7 साल में चंबल का जल राजस्थान वासियों के घर घर में होगा। बड़ी बात मैं ये भी बता दूँ कि 26 बांधों को जोड़ा जाएगा इंटरलिंकिंग के जरिए और राजस्थान की किस्मत बदलेगी। बहरहाल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं उस स्थान की जहां से चंबल का उद्गम हुआ, और अब ERCP धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी, काम जमीनी स्तर पर शुरू होगा और दावा किया जा रहा है कि भजनलाल सरकार के इसी कार्यकाल में ERCP का तोहफा मिलेगा और इंटरलिंकिंग के बाद बांधों में इकट्ठा हुआ पानी नल के जरिए लोगों के घर तक पहुंचेगा। बारिश के दिनों में जाना पाव से निकलने वाली नदियां तेज बहाव के साथ पहाड़ों में बहती हैं, तो नजारा काफी मनमोहक हो जाता है। बरसाती मौसम में 3 से 3.5 महीने इतना पानी बहता है कि देखने वाले भी दंग रह जाएं। जाना पाव के नजदीक हनुमान मंदिर से नीचे की पहाड़ी से चंबल की तेज धारा लगातार बहती है, जो बारिश का दौर थमने के बाद ही रुक पाती है। चंबल का यही पानी आगे कई बांधों से होता हुआ यमुना में जाकर मिलता है। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंस रोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बनाती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है और बाद में राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर इटावा के निकट यमुना नदी में समा जाती है। चंबल का यह पानी अब ERCP के रूप में पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाएगा, साथ ही मध्य प्रदेश के भी 13 जिलों के लोगों को चंबल का पानी नसीब होगा। आखिर इस स्थान का नाम जनापाव क्यों पड़ा, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी बताएं कि किस तरीके से यहाँ चंबल निकलती है और क्या महत्व है, धार्मिक महत्व क्या है
और चंबल किस रूप में यहाँ से निकली थी? यह चंबल नदी भगवान के चरणों से निकलती है, भोलेनाथ जी के चरणों से निकलती है, इसका नाम इसलिए चरणामती रखा गया। नहीं, तपस्या भगवान के परशुराम जी के पिताजी ने, जगदम्ब ऋषि ने तपस्या की थी और यहाँ भगवान भोलेनाथ जी उन पर प्रसन्न हुए थे और यहाँ इनको स्वर्ग लोक से कामधेनु गाय भी दी गई थी। वह गाय भी थी, वह कुछ दिन के बाद में राजा सहस्त्रबाहु उस गाय को छिना करके ले गए थे। उस समय में भगवान परशुराम जी हिमालय पर तपस्या कर रहे थे, तब उनकी माता ने उनको याद किया। भगवान परशुराम जी वहाँ से आए और उस समय में राजा सहस्त्रबाहु की 100 भुजाएँ काटी थी। उसी समय भगवान परशुराम ने 21 परिक्रमा लगाई थी और ये राजा जो थे राजद्रोही उनको मारे गए थे। पानी का क्या महत्व? पानी का महत्व यह, पहले यहाँ कुंड ब्रह्म कुंड बोलते हैं, ये पहले हवन कुंड था, उसके बाद में इसका हवन ये जल कुंड रखा गया। इस कुंड को बोलते हैं ब्रह्म कुंड। यहाँ पे इस पानी की महत्व यह है, जो भी बाहर बाधाएं बीमारी छोटी मोटी बीमारियाँ होती इसके नहाने से यहाँ सब नष्ट होती है। पानी कैसे निकला? पानी यहाँ से कुंड में से आता है, भगवान के चरणों में आता है और यहाँ से ये पहाड़ी में गुप्त निकलती है, नीचे जाके पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर उनके सामने से इसका प्रकट होता है। ये बारिश में पानी यहाँ बहता है, अन्यथा पानी सूख जाता है। मतलब गुप्त तरीके से पानी निकलता है, आज तक कोई राज जान नहीं पाया। जी, यहाँ नीचे जाके उद्गम होता है इसका, पहाड़ी के नीचे जाके उद्गम होता है, बाकी यहाँ से तो गुप्त निकलती है। नीचे जाके भगवान अपने पंचमुखी हनुमान जी के सामने से प्रकट होती है। तो ये देखिए, धार्मिक महत्व भी हमने जाना कि पानी कैसे निकलता है और नीचे पंचमुखी हनुमान मंदिर के बाहर से पानी निकलता है। देखिए, बरसात के दिनों में इतना तेज वेग होता है पानी का कि कई हजार किलोमीटर तक पानी जाता है और कई राज्यों को वर्तमान में पानी मिल भी रहा है। और बड़ी बात यह है, देखिए, राजस्थान के लिए ERCP जीवनदायिनी है और इस जीवनदायिनी का पानी कहाँ से आ रहा है वो उद्गम स्थल हमने आपको दिखाया, जिसे देखना जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। राजस्थान के लिए ERCP योजना काफी लाभदायक होगी। इस प्रोजेक्ट से राजस्थान और मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नदियों को जोड़ने का देखा गया सपना भी पूरा होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस योजना का भविष्य मुख्य रूप से बारिश से ही जुड़ा है। ऐसे में तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए चंबल के पानी का स्टोरेज किया जाएगा। इस समय हम मध्य प्रदेश के जानापाव क्षेत्र में हैं, जहां से चंबल का उद्गम है, यानी 0 पॉइंट पर जहां से चंबल निकलती है और कई हजार किलोमीटर का सफर तय करती है, कई राज्यों के गले तर करती है। MOU हो गया है और बड़ी बात यह है कि विधानसभा में पक्ष और विपक्ष चंबल के पानी को लेकर के अपना अपना तर्क पेश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको यह भी बता दें कि यहाँ से बरसात के समय निकला पानी ही तेज गति से आगे बढ़ता है और यमुना में जाकर मिलता है। उससे पहले कई नदियों का पानी भी मिलकर यमुना में जाता है और वही पानी कई राज्यों का गला तर कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि बरसात पे ही डिपेंडेबिलिटी रहती है, बरसात का पानी कितना मिल पाता है यही राज्यों की किस्मत रहती है। राजस्थान को भी चंबल का पानी मिलेगा और यही बरसात राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13-13 जिलों का गला तर करेगी। इसमें बड़ी बात यह भी हो जाती है, साफ तौर पर बारिश का पानी ही अब कई राज्यों का भविष्य तय करेगा, यानी चंबल के इन जंगलों से निकला, चंबल की इन पहाड़ियों से निकला पानी राजस्थान पहुंचेगा, किस रूप में पहुंचेगा यह अभी ना तो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को पता है, ना ही सरकार के स्तर पर कुछ तय हुआ है। पर बड़ी बात यह है कि 3.5 महीने तक यहाँ से निकला पानी ही राज्यों में जाएगा। अगर बरसात कम रहती है तो भाग्य कैसा रहेगा, बरसात अच्छी होती है तो उन राज्यों में पानी की आवक कितनी रहेगी, बांध कितने भर पाएंगे, यह होना तय बाकी है। लेकिन अभी यह भी तय नहीं हो पाया है कि किस राज्य को कितना पानी मिलेगा। लेकिन हम उस 0 पॉइंट पे हैं, यानी जानापाव उस क्षेत्र में है मध्य प्रदेश के, जहां से चंबल का उद्गम है और अगली बरसात के दौरान 3 से 3.5 महीने तक यहां से तेज बहाव से पानी निकलेगा। लेकिन भविष्य अभी भी तय नहीं है, अगर बरसात होती है तो राज्यों की किस्मत, बरसात कम होती है, बरसात नहीं होती है तो भी राज्यों की किस्मत। लेकिन अभी तक कोई रोड मैप तय नहीं हो पाया है, MOU हो गया है,
धरातल पर काम शुरू होने की बात हो रही है। हम तो यही मानते हैं कि राजस्थान की किस्मत अच्छी रहे, तय समय पर काम पूरा हो जाए और चंबल में लबालब पानी रहे ताकि 13 जिलों के साथ साथ राजस्थान की उन्नति को भी पंख लग पाए। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सभी बांधों की स्थिति बारिश पर टिकी रहती है, तो ऐसे में राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाभान्वित जिलों में पेयजल की उपलब्धता भी बारिश के साथ जुड़ी रहेगी। हालांकि दोनों राज्यों में चंबल के जल बंटवारे पर MOU हो गया है, लेकिन देखना होगा कि धरातल पर काम कितनी तेजी से हो पाता है। विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश जीवनदायिनी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।